चैनल आज हम देखेंगे महाराष्ट्रीय पातोड़ी की सब्जी किस तरह बनाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम 2 चम्मच धनिया, जो ड्राई मसाले होते हैं ना, पहले हम उसे भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें तेल, इसी में हम डालेंगे पॉपी सीड्स। ये तड़तड़ाने लगे थी तब निकाल लेंगे। अब ये तड़तड़ाने लगी है, इसे निकाल लेते हैं। अब इसमें ड्राई कोकोनट, इसे भी अच्छे से हम भुनेंगे। अभी हमारा ड्राई कोकोनट भी हो गया, इसे निकाल लेते हैं। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 हमने इलायची ली है, 4-5 लौंग ली है, थोड़ा दगड़ फूल लगेगा और ना थोड़ा सा हमें काली मिर्च लगेगी और जावित्री लगेगी, थोड़ी ही लेना है, और 1 बड़ी इलायची। इसे हम अभी भून लेते हैं, बस 1 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। बस हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं प्याज, प्याज को भी हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। जिस दिन आपके घर में कोई सब्जी ना हो उस दिन आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अब इसे अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है ये सब्जी, तो ज़रूर बनाइएगा। प्याज को हम निकाल लेते हैं। अभी हमारे ड्राई मसाले पीस के हो गए हैं, अभी हम इसमें प्याज और अदरक और लहसुन डाल के इसे पीस लेते हैं। हमारा मसाला रेडी है, इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल के रखती हूँ हमारे पातोड़ी में डालने के लिए। अभी हम इसमें तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देते हैं। अभी हम इसमें डालते हैं तेजपान और हमारा ये मसाला। मसाले को अच्छे से भूनना है, मसाले से तेल बाहर आ जाना चाहिए। इसमें 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और थोड़ा सा इसमें धनिया डाल के भून देते हैं। और इसमें डालते हैं थोड़ा सा हमारा मिक्सी में के पॉट में से जो पानी निकलता है ना उसमें डाल देते हैं। इसे होने देते हैं 2 मिनट, अच्छे से तेल बाहर आ जाएगा। इस गैस पे मैंने पानी रखा है ग्रेवी में डालने के लिए। अभी हम पातोड़ी बनाने के लिए लेते हैं, तब तक हमारी ग्रेवी हो रही है अच्छे से। इसमें डालते हैं हमने जो मसाला निकाल के रखा था ना वो डालते हैं। इसमें डालते हैं हल्दी 1/4 टीस्पून और मिर्ची पाउडर, स्वादानुसार नमक। अभी हम इसे पानी से गूंथ लेते हैं, हम आटा गूंथते हैं ना बस उसी तरह। हमारा आटा गूंथ के रेडी है, इस तरह से हम इसे बनाएंगे। देखिए कितनी मस्त ऊपर तेल आया है। अभी हम इसमें पानी डालेंगे, इसे
से एक बॉईल आने देते हैं, तब तक हम पातोड़ी बनाते हैं। देखिए कितना मस्त ग्रेवी आई है ऊपर। अब इसे सूखे आटे में डालते हैं। अभी हम इस ग्रेवी में एक एक करके डालेंगे। गैस बड़ा कर देना है और हमारे पानी को बॉईल आ जाना चाहिए तभी डालना है। एक दो मिनट के बाद ये सारी हमारी पातोड़ी जो है ऊपर आ जाएगी पक के। देखिए कितनी मस्त हो गई है, कलर देखिए कितना बढ़िया सा आ गया है। थोड़ा सा धनिया इसमें, दो मिनट इसमें और बॉईल होने देते हैं इसी में ग्रेवी में। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, काला मसाला। काला मसाला का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। इस तरह से हमारी पाटोड़ी बनके तैयार है। आप अलग से भी एक पाटोड़ी बना सकते हैं, बेसन को भून के फिर उसकी पाटोड़ी बना के फिर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी पाटोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अभी हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। सब्जी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।